रात का काफ़ी लेट टाइम है और हम यहाँ रुके एक ढाबे पे, कैसी लग रही है चाय? बहुत अच्छा है। रात की चाय IPL भी चल रहे हैं। इस बार तो पूरा वो चला है ना स्वदेशी कंपनी का, ज्यादातर नहीं सभी 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 पकड़ो, मैं पे करता हूँ कैमरा उधर। ओके चले चाय पी ली हमने, रूम लीजिए 20 रुपये पे कर दिए। बहुत बड़ा ढाबा ये, ये नाइट लाइफ रोड की ट्रक यहाँ पे है, ढाबा ये है। तो रात में कोई सोता नहीं है रोड पे, रोड चलते रहते हैं, गाड़ियाँ नहीं होती लेकिन ट्रक हमेशा होते हैं। और पूरे टूर में हमने ये देखा है, जहाँ भी गए हैं ट्रक ही ट्रक, ढाबे ढाबे, एक अलग दुनिया है जो कि रात की दुनिया है। और ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, ट्रांसपोर्टेशन में भी आप कुछ कर सकते हैं करना चाहे तो, अनसॉल्व प्रॉब्लम रिवीगो है और भी कोई बाकी लोग हैं। समी इस रात की दुनिया, रोड की दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। ये गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है, स्वदेशी गाड़ी, और क्रेटा इधर खड़ी है, सेकंड क्रेटा। अच्छा आप इस टाइम कितना ड्राइव किए एक बार में? अभी मैं कर चुका हूँ 350 के आसपास। पर अब आगे कितना करने वाले हैं? अभी मैं करूँगा, मुझे आज नींद यारी सोच रहा हूँ 150-200 और ड्राइव करूँगा एक दिन में। 500 किलोमीटर, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक दिन में मैं चाहूँ तो, ये ड्राइव हुआ है मेरा अभी 4-5 घंटे का ड्राइव हो गया है, 5-6 घंटे का। 5 बजे चले थे हम, और मतलब एक दिन में 2 सेशन हो सकते हैं ड्राइव के, 5-5, 6-6 घंटे। मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 700-800 तक जा सकते हैं, 700 तक ड्राइव कर सकते हैं एक दिन, 700 किलोमीटर एक दिन में, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो 2 सेशन हो सकते हैं, एक मॉर्निंग 4 बजे से दोपहर तक का, और फिर एक शाम में, और फिर 12 बजे आप आराम करेंगे, और 12 बजे से आप आराम करेंगे 5 बजे तक, तो फिर 5 बजे से एक रात तक का। ये बिल्कुल हाई है, और ना तो एक सेशन बहुत है, जो कि हम तो दो ड्राइवर हैं तो अच्छा रहता है, स्वैप कर सकते हैं। स्वदेशी ऐप यूज़ करिए, विदेशी को विदेशियों की गुलामी छोड़िए। आप लोग स्वदेशी ऐप यूज़ करते हैं, विदेशी? स्वदेशी ऐप अंग्रेज़ों ने हमारे देश में, ये देखिए ये मेट साइट, ये फेसबुक जैसा ऐप है, ये व्हाट्सएप जैसा ऐप है बात, पूरे भारत में हम घूम रहे हैं 16,000 किलोमीटर। तो पूरे भारत में हम ये बता रहे हैं लोगों को, इन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, ऊपर जो दिख रहे हैं इनको दिखाइए सबको। तो
पूरे भारत में इन लोगों ने आज़ादी दिलाई, मरे, फांसी चढ़े, लड़े अंग्रेज़ों से, लेकिन हम लोग अंग्रेज़ों को अमीर बना रहे हैं। और फिर हम कहते हैं हमारे नेता काम नहीं करते, ये नहीं करते। चाबी हमारे हाथ में है, मोबाइल से घर जाइए, अंग्रेज़ों की सारी डिलीट कर दीजिए, सर्च करिए भारत की, क्योंकि आपके मोबाइल से वो करोड़पति बन रहे हैं, समझ रहे हैं। और आपके बच्चे जो आने वाले हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको नौकरी जब मिलेगी जब वो कंपनी भारत की होंगी, समझ रहे हैं इस बात को, बहुत छोटी सी बात है। वो देश के लिए मर के चले गए, लड़के चले गए और हमको आज़ादी दे गए, और हम इतना काम क्या कर रहे हैं। हम देशभक्त तो हैं लेकिन घर बैठे देशभक्त हैं, देश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। देश के लिए हमें इतना सा करना है, देश की चीज़ें यूज़ करें, है ना, और देश की मोबाइल में कम से कम, मोबाइल तो हाथ में रहता है ना पूरे दिन, जैसे ये मोबाइल मैंने खोला अभी, इसमें जो भी चीज़ है तो देश, हम तीन लोग हैं पूरे भारत के 16,000 किलोमीटर के टूर पे हैं, एक महीना हो गया हमें, ठीक है, न्यूज़ में भी हमारा आ चुका है, अब और भी आएगा। हम अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें लगाएंगे, शहीदों की परिवारों को मदद करेंगे, गरीब बच्चे जो सड़क पर घूमते रहते हैं उनको शिक्षा देंगे ऑनलाइन, समझ रहे हैं आप। तो आप, अभी हमारा देश बहुत बड़ा है, हम लोग कई बार, अभी तक हम तो दिल्ली से आए हैं, तो आप कितने घूमे? अभी हम घूम गए 10,000 किलोमीटर। 10,000 किलोमीटर तो आप ये स्वदेश के बारे में बता रहे सबको, है ना। स्वदेशी वैसी चीज़ें तो यूज करो, कपड़ा लत्ता सब स्वदेशी यूज करो, लेकिन ऐप मोबाइल में ये जो आपने जेब में रख रखा है ना, ये आप अंग्रेजों का गुलाम है। एक बार को मोबाइल किसी भी कंपनी का ले लो, वो तो 10,000 रुपये का ही आता है। अब तो खैर माइक्रोमैक्स का आने वाला है, वो माइक्रोमैक्स खरीदिए, नई कंपनी आएंगे, हम भी कंपनी बनाएंगे जो आके आपको मोबाइल भी देगी। लेकिन इस मोबाइल के अंदर जो आप अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हो ना, वो आपको पता नहीं है। आप अंग्रेज आप पे राज कर रहे हैं वहाँ से बैठे बैठे, अमेरिका से और दूसरे कंट्री से, तो आप नेता कोई बुरा नहीं है, नेता अपना बहुत मुश्किल से बना जाता है नेता, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को अपना काम करना है। आप लोगों को अपने बच्चे, अपने आने वाली पीढ़ी, देश के भविष्य के लिए अपने मोबाइल में एक भी ऐसी ऐप यूज नहीं करनी है जो अंग्रेज़ों ने बनाई। 6 महीने लॉकडाउन हुआ है ना, फिल्में नहीं देखी, कोई मरा तो ऐसी फिल्में देखी है जो देश को गलत डायरेक्शन में ना ले जाए, समझ आएगा। देश के हीरो कौन है आपको सीखना है, आप गलत हीरो की मूवी देखेंगे तो गलत हीरो आगे चल जाएगा, तो देश के खिलाफ मोर्चे चलाते हैं, फिल्मों में देशभक्त बनते हैं, बाहर कुछ और करते हैं। तो देशभक्त, देशभक्त का मतलब यही है, देशभक्त का मतलब ये है हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। देश को हमने क्या दिया, देश को, देश ने हमको क्या दिया, देश ने हमको ऑक्सीजन दी, खुली हवा दी, खाने के लिए ज़मीन उगा रहे हैं, मिल रहा है खाना, देश ने हमें आज़ादी दी। पहले अंग्रेज ऐसे पकड़ के ले जाते थे, अभी वो आज़ादी इन लोगों ने दी, ये जो हमने फोटो लगा रखी, तो उनकी आज़ादी बेकार है अगर हम अब भी अंग्रेजों के गुलाम बने रहे मोबाइल, समझ रहे हैं आप। सब कुछ ये व्हाट्सएप जैसा ऐप है, बात आप इंस्टॉल करिए, इसका फ़ोटो खींचिए, नाम लिखिए, ये फेसबुक जैसा ऐप है मैट साइड, और अपने दोस्तों यारों को भी बताइए, ये तुम्हारी देशभक्ति का एक सच्चा प्रूफ होगा। हम लोग 1 महीने से घूम रहे हैं, अभी तक शुरुआत की हमने, आगे आप हमें टीवी पे भी देखेंगे, न्यूज़ में भी देखेंगे। हमारा इसमें ही खाना बनाने का सिस्टम है, इसमें ही सोने का सिस्टम है, होटल में नहीं रुकते हम, इसमें गाड़ी पे, गाड़ी में चीज़ें शुरू करिए। फिर हमें बुरा लगता है, हमें बुरा इसलिए लगता है कि हम अंग्रेजों की गुलामी क्यों करें, जब हम अपने आप में सक्षम हैं, आप सब लोग अपने आप में सक्षम हैं, ठीक है। ताकत जब आएगी आपके हाथ में, जब अंग्रेज देश पर कब्जा छोड़ देंगे, तब देखना देश कैसा होगा। ये सारी नमकीन टकरे, ये सारे जितने नमकीन टकरे, इनमें कुछ तो हो सकते हैं स्वदेशी हो, वरना सब विदेशी। आलू, किसान का आलू 2 रुपये किलो, चिप्स 20 रुपये का 100 ग्राम, बिनी हवा है उसमें, उसको हम खरीदते हैं सब्जी मंडी पर। आप लोग तो फिर भी अच्छे लोग हैं, जैसे जो मैं उनकी बताता हूँ जिनके पास गाड़ी है, एसी में सोते हैं, सब्जी वाले से बोलते हैं 10 रुपये किलो आलू, 8 रुपये लगाओ, यही तो बोलते हैं सब्जी वाले से जो गाड़ी में से आते हैं, और वहाँ जाके शोरूम में जाके 10,000 की एक जींस खरीद लेते हैं। तो हम लोगों को बहुत बड़ी ताकत है, एक इंसान मिलता है ना तो बहुत बड़ी ताकत बनती है। धीरे धीरे आप लोग जागरण करोगे तो आपके आसपास के लोग जागृत हो जाएंगे,
आने वाली पीढ़ी का अगर भला करना है तो देशभक्ति का एक नारा अपना लो कि जो अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, क्यों क्यों ताकतवर है, भारत भी बहुत ताकतवर है, इसलिए ताकतवर है क्योंकि वहाँ के लोग चीज़ें होते हुए भी वो देखते हैं हमारे देश की कौन सी चीज़ें, समझ रहे हो? ठीक है, बिल है क्या? क्या है? अभी पकड़ो, अभी तुम्हारा उतर। तो समझ रहे हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि हम जहाँ लोग मिलते हैं उनसे बात करते हैं और हम घर परिवार, हमारे बच्चे भी हैं रोड पर घूम रहे हैं जागरण फैलाते हुए, तो किसी को तो भगत सिंह बनना पड़ेगा ना। भगत सिंह हर कोई चाहता है, लेकिन घर में भी किसी का भगत सिंह ना हो। माँ बाप चाहते हैं तू घर में रह, और कोई जेल जाएगा तो और चला जाएगा, वो देश का भला करेगा। तो देश का भला हमें करना है सबको मिलकर। ये ऐप को इंस्टॉल करो, फेसबुक को डिलीट करो, ये व्हाट्सएप को डिलीट करो, इसको इंस्टॉल करो, बात को। इसमें भी बिल्कुल वैसी बात होती है, बिल्कुल वैसे ही चैट होती है, वैसे ही फ़ोटो अपलोड होते हैं, वैसे ही वीडियो अपलोड होते हैं। और फिर खुद से पूछो क्या हम देशभक्त हैं, अगर हम एक ऐप डिलीट नहीं कर पा रहे क्या हम देशभक्त हैं, समझ रहे हैं आप? आज़ादी के लायक हैं हम आज़ादी के लायक नहीं है। जब हमें वहाँ से गुलामी छोड़ी तो मोबाइल में गुलाम बन गए, हम तो गुलाम बनना है हमें, समझ रहे हैं आप? देश का युवा, आप लोग तो समझदार थोड़े एजुड लग रहे हो, देश का युवा तो बिल्कुल ही, फोटो देखो बस, वो इंस्टाग्राम पे वो लड़कियों के फ़ोटो देखने हैं पूरे दिन, समझ रहे हो? मॉडल्स के फ़ोटो देख रहे हैं इस डायरेक्शन में, उन्हें यही नहीं पता देश के असली हीरो हमारे सैनिक हैं, हमारे जवान हैं जो शहीद हो गए, 22 साल की उम्र में जवान शहीद हो गए, उनके माँ बाप से हम मिल के आए, 22 साल की उम्र में शहीद हो गए देश के लिए। ठीक है, तो देश की ऐप यूज़ करिए, इन ऐप्स को इंस्टॉल करिए और अपने आसपास के लोगों से करवाइए, बहुत बड़ा योगदान होगा देश के लिए।